मॉर्निंग फैमिली, मैं हूं अमन और स्वागत है आप सभी का राज ब्लॉग्स में। तो बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूं, मोटो ब्लॉग नहीं डाल रहा हूं। तो एक भाई है, उनका कमेंट आया था कि भैया आप मोटो ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। तो भाई पूछो मत, क्योंकि इस दुर्गा पूजा में हम लोग के साथ बहुत सारे कांड हुए हैं। एक कांड उनमें से ये है, देखो मेरा पूरा वाइजर टूट गया हेलमेट का, और ये पार्ट जो है हेलमेट का ये मिल नहीं रहा। मैं एक जगह हूँ वहाँ पे, मतलब मिर्ज़ापुर में बोला हूँ कि भैया मंगवा दो मेरा सामान, तो वो अभी आया नहीं है, वो कुछ थोड़ी देर में आ जाएगा। और मैं टॉपिक की, आज की टॉपिक की बात करूँ तो आज हम लोग जाने वाले हैं एक दरभंगा में, कोई एक था, मैं कार्ड दिखा देता हूँ, एक फ्रेंड है मेरा, उसने मुझे कार्ड दिया था और इन्वाइट किया है कि आप आओ। प्रतीक आर्टिस्ट हब, ये आर्टिस्ट हब करके एक चैनल, मतलब इंस्टा पे है ग्रुप, उस पे जाओ, मतलब फॉलो करो इस पेज को और वहाँ पार्टिसिपेट करो आप लोग। मुझे यहाँ पे बुलाया गया है तो आज मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ का वीडियो शूट कर रहा हूँ। और वहाँ क्रिएटिविटी मतलब बहुत, मतलब अच्छे खासे मिलेंगे, बहुत सारे लोग से मैं इंटरेक्ट करूँगा, मिलूँगा, आप लोगों को भी मिलवाऊँगा और दिखते हैं हम लोग कि वहाँ एक्चुअली होता क्या है, क्या है। मुझे पहली बार ऐसा दरभंगा में देखने को मिल रहा और मुझे मतलब बुलाया गया, थैंक्स टू प्रतीक, थैंक्स भाई बुलाने के लिए। तो चलो फिर इस वीडियो को हम लोग यहीं स्टार्ट करते हैं और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को आगे का। तो अभी तो मोटो ब्लॉग हो नहीं पाएगा फ़िलहाल, तो मैं आप लोगों को मोटो ब्लॉग दिखा नहीं पाऊँगा, तो सॉरी गाइज इसके लिए। कुछ दिन में मैं बट देखता हूँ, अगर ये मेरे को हेलमेट चेंज करना पड़ेगा तो मैं हेलमेट भी चेंज कर दूंगा, बट मोटो ब्लॉग तो आएंगे, बस कुछ दिन वेट करो। छठ के बाद अप्रॉक्स शायद मोटो ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिल जाए, क्योंकि इसमें मैं देखा था, ट्राई करके एक वीडियो बनाया था खुद के लिए, रील्स के लिए, तो इसमें से विंड नॉइज बहुत आ रहे थे, तो वो वीडियो डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ठीक है गाइस, चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को और आगे। तो हाय फैमिली, मैं अभी आ चुका हूँ आप लोगों को जो दिखाने आया था, तो अभी वो प्रोग्राम थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, तो अभी चलते हैं अंदर। और कुछ कंटेस्टेंट अभी आए हुए हैं तो उनको मैं दिखाता हूँ और मिलाता हूँ सबसे, मिला तो नहीं पाऊँगा क्योंकि वहाँ बहुत रस है। तो चलो फिर इस वीडियो को और इन्जॉय करते हैं और दिखाता, आज बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, बहुत। अभी ये देखो, ये पोस्टर है उसका, कैफेटेरिया जो चर्च के दो कदम आगे ही है बस। तो चलो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को आगे। मैं हिंदी में बोलूंगा, जय हो, जय हो। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया है, तो एक बार मोदी सरकार के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब जो ये आंकड़ा पार हो गया है तो आप लोग कृपया कोरोना से ना डरें और कृपया आराम से बैठ के इस प्रोग्राम का आनंद लें। तो अभी तक जो भी ध्यान नहीं दे रहे थे ये उन्हीं के लिए था,
ये मेरे इंटरव्यू में नहीं था। मेहनत और पसीने से नहाने वाले लोग अपना और अपने साथियों का इतिहास बदलते हैं। लगता है प्रतीक कुछ इसी राह पर चल पड़े हैं। अपनी मेहनत और पसीने से हम सबको एक स्टेज पे लाया है उन्होंने, तो मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ प्रतीक का कि उसने मुझे भी मौका दिया एक बार स्टेज उनके साथ शेयर करने का। शाम में थोड़ा और होना चाहिए, दिखाने को तो अभी बहुत कुछ है जनाब, दिखाने को तो अभी बहुत कुछ है जनाब, लेकिन आपकी तालियों में थोड़ा शोर और होना चाहिए। हाँ ये ठीक है, ये ऐसा यही ऐसे ही आपको करना है, वरना ऑडियंस ही ठंडी पड़ जाएगी तो कंटेस्टेंट तो अपने आप ही ठंडे पड़ जाएंगे। तो आजा जमीन पे और मिल जा कहीं पे, मिल जा कहीं समय से परे, ओ, 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 मिल जा कहीं समय से परे, तू भी अच्छी है ससुर मेरी। करना चाहती है ग्राइंड, करना चाहती है, मैं भी हूँ बैठा इतनी जो मस्ती में, मैं भी हूँ बैठा इतनी जो मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो आग लगे फिर बस्ती में। करना चाहती है, करना चाहती है करना चाहती है। देखो प्यार हो गया तो भाई साहब स्टार्टिंग का प्यार, जब आप पहली बार मिलते हैं किसी से, उससे बड़ी चीज और दुनिया में कुछ नहीं होती। तो वो क्या होती है, कैसे होती है, मतलब आपका तो ठीक है, मेरे लिए क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ए खुदा बंदगी में तेरी नहीं, खैरियत उसको जिंदगी चाहता हूँ। ऐ खुदा खैरियत उसको बंदगी में तेरी, मैं खैरियत उसको जिंदगी चाहता हूँ, इबादत में तेरी मैं उसको दुआ मांगता हूँ। बंदगी में तेरी खैरियत उसको जिंदगी चाहता हूँ, इबादत में तेरी मैं उसको दुआ मांगता हूँ, और मेरी कहानी छोड़ या मौला, मैं बस उसको मुकम्मल मांगता हूँ, मैं बस उसको मुकम्मल मानता हूं। अब ये हो गया, अब धीरे धीरे आगे बढ़ती है सिचुएशन साहब, तो अब तारीफ करना तो बनता है ना, मेरा तारीफ के क्या ही होता है जिंदगी में, है कि नहीं। ये सुनहरी जुल्फ में सुहानी रंगत, ये किस तरह से चमन को महका रही हो, ये कैसे नजरें मिला रही हो, शर्मा रही हो या दीवाना बना रही हो, ये कैसे नजरें मिला रही हो, शर्मा रही हो या दीवाना बना रही हो, माथे पे बिंदी ये झुकती निगाहें, निगाहों पर वो काजल का पहरा, कानों के झुमके सुर्ख होंठ मनमोहक हंसी, ये चांद सा चेहरा, ये चांद सा चेहरा, जालिम अदाएं ये कातिल निगाहें, उस पर से रुत की ये ढलती फिजाएं, ये दुपट्टा है तुम्हारा या अप्सराओं का लिबास है, तुम हो या गुलदस्ते का गुलाब है, तुम्हें जब मैं सामने देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि खुद
उर्वशी है या कोई आता है। अच्छा एक मिनट लगा दो कोई डुबकी की डुबकी के शुरुआत है आगे आगे देखा मुखता का जवारे 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 ये तो हो ही नहीं सकता। फिर प्यार का जरा चखना, ओए मखरा, ओए मखरा, ऐसे तो चला अब अखना, ओए मखरा, ओए मखरा, हम तो तेरे घायल है, तेरी चाहत में घायल है, न कैसे हम जोड़ के जाए। काला टीका लगा दे एकदम कंताप लग रहे हैं। डांस आता है? करे फिर कुछ? चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you.
दुनिया छूना चाहे जैसे उनकी सारी सारी दुनिया देखे रुकान है कोई न जाने बेचारी करूं तो बता।
छोड़ चला मन मेरा तुझमें मैं हूँ मुझ में तू और सांसें रूबरू कुछ भी नहीं अब दोनों के दरमियाँ चाहे तुम्हारे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे।